ये बात आ रही थी कि हम दिव्यांग जो है वो सबसे अलग है, मेरा ये मानना नहीं है। मैं जब से तहसील में मैं आई हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति फोन नंबर से आप अवगत कराएं, तत्काल मैं स्वयं पहुँचती हूँ, मैं स्वयं आप तक पहुँचूंगी, आपको आने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले की इंसान जो है व्यक्ति ऊपर वाले की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप और हमारे में आते हैं, अगर हम चार बस लगातार लगा दें, बड़ी वाली उसकी लंबाई इतनी लंबी होती थी और बहुत ऊंचा जानवर होता था, आप लोगों ने कभी टीवी में या कहीं देखा होगा, और वो विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, आज उसकी कोई उस उसका अस्तित्व नहीं है। तो जो है जबकि वो सबसे शक्तिशाली था। तो मेरा ये मानना है कि इंसान का कि जो मन की शक्ति होती है, शरीर की शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उसका मन बलवान होना चाहिए, मन की शक्ति वो होनी चाहिए। यही मैं आप सब से अपेक्षा करूंगी, आप सब जो है जो ये समस्या जो भी है हमारे साथ आपके साथ, इसके लिए सबसे बड़ा पहुंच हो सकती हो तो महिलाएं भी हैं, तो उससे ज्यादा बल मिलेगा हमारी शैलजा मैम को और ममता मैम को देखकर। और तो सोलह बनाने का तैयार ही है और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। सकारात्मक बने रहिए, सरकार की योजनाएं आपके लिए प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही हैं, धनराशि में वृद्धि होती जा रही है, योजनाएं बढ़ती जा रही हैं, जितने भी ट्रेन हैं बस हैं सब में आप लोग के लिए निःशुल्क से कम किराए भाड़े पर यात्रा की व्यवस्था बनाई गई है। बैंक आपको कम से कम ब्याज दरों पर लोन दे रहा है। आपको ये स्वावलंबन के लिए कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए ना बराबर कुछ लोग के लिए कुष्ठावस्था में पेंशन योजना सरकार ने चालू की है, उसमें आपको 2500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। आप लोग को जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ही लोग के लिए हो, जहाँ पे आप वापस जाएं, घर जाएं, आपके आस पास तैयारी हो जाए, हमेशा तैयार रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा निवारण शिक्षा अनुदान भी मिल रहा है, जिसके लिए एक वर्ष में लगभग 8000 रुपये प्रति लाभार्थी को दिया जा रहा है। कुछ इसके अर्हताएँ हैं जिनको पूरा करने पर आपको यह धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। आप लोग को ये जानकर खुशी होगी कि सरकार और आम जन अब ये जागरूकता फैल चुकी है कि किसी चौराहे में अगर कोई आंखों से अच्छा व्यक्ति दिखता है जिसे रोड पार करना हो, तो पब्लिक का कोई ना कोई व्यक्ति उसका हाथ पकड़ रोड पार करवा देता है। यह अब जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रेनों पर, बसों, बस स्टैंड पर भी आप देखेंगे कि जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप बनाए गए हैं, ब्रेल लिपि में लिखा जा रहा है आजकल ट्रेनों पर, मेट्रो स्टेशनों पर। हमारे यहाँ तो नहीं पहुँचा है, जो भी दिल्ली या लखनऊ से गए हों देखे होंगे, ब्रेल लिपि का यूज़ किया जा रहा है कि वो फिर हाथ छू कर जान जाएंगे कि हम कौन सा रास्ता कहाँ जाना है और अपने छड़ी से छूते हुए उस रास्ते। कार्यक्रम था, क्या जानकारी यहाँ भी दी गई, दिव्यांग जन आए हुए हैं यहाँ पे। आज विश्व दिव्यांग दिवस पर माननीय सालसा के द्वारा एक जागरूकता शिविर व वितरण के का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 दिव्यांग जिनको कान की मशीनें वितरित की गईं व करीब 20 से 25 लोगों को बैसाखियों का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाजपेयी जी द्वारा अधिवक्ता दिव्यांगजनों को कानूनी जानकारी मुहैया
कराई गई और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। कितने लोगों को यंत्र बांटे गए हैं? यंत्र कितने लोगों को बांटे गए सर, कान वाले या बैसाखियाँ? 20 से 25 लोगों को बैसाखियाँ बांटी गई हैं। इसके अतिरिक्त 5 ऐसे दिव्यांग जन थे जिनको कान की मशीनें बांटी गई। कौन कौन आया है कार्यक्रम में? थोड़ा कार्यक्रम में जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी तहसीलदार महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाजपेयी जी, हमारी महिला अधिवक्ता, इसके अतिरिक्त हमारे PLV पवन जी, तो महिला PLV भी आई हैं और भी काफ़ी लोग हैं।